मेरा नाम पायल है और मैं पुणे में रहती हूँ। और आज जिस घटना के बारे में आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे साथ बहुत पहले हुई थी, मेरे स्ट्रगलिंग डेज में, जब मैं जॉब्स के लिए सर्च कर रही थी। उस वक्त मुझे मेरे शहर में नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं जॉब ढूंढने के चक्कर में बैंगलोर आ गई थी। शुरुआती के दिनों में मैं अपनी आंटी के यहाँ रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रेंटेड फ्लैट ढूंढना कोई भी आसान बात नहीं है। पर मैं अपनी आंट के साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहती थी, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, और घर में बहुत सारे रूल्स भी होते थे जिनकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने फटाफट ही ऑनलाइन फ्लैट्स देखना शुरू कर दिया। फ्लैट्स मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, मुझे करीबन एक हफ्ता लग गया फ्लैट ढूंढने में। उसके बाद मुझे फ्लैट मिला और वो बहुत ज़्यादा ही सस्ता था, उसका रेंट सिर्फ 4,000 था। तो मुझे लगा कि इससे बेटर डील तो मुझे मिल ही नहीं सकती, क्योंकि बैंगलोर जैसे शहर में इतने कम रेंट में फ्लैट मिल जाना बहुत ताज्जुब की बात थी और मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रही थी। मैंने फटाफट से उसमें सारी बुकिंग कर ली और अगले दिन आंट को बताकर मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली। मेरी आंट बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, उन्होंने मुझे रात के खाने के लिए टिफ़िन भी दिया और बहुत सारे स्नैक्स भी। फिर मैंने फटाफट टैक्सी पकड़ी और अपने फ्लैट की तरफ चली गई। वो बिल्डिंग बाहर से बहुत ज़्यादा ही वीरान और बंजर टाइप लग रही थी और थोड़ा आउटर में भी थी। उसे देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये डील मुझे इतना सस्ते में कैसे मिल गई, और मैं बेवजह ही अपने आप को लकी ही समझ रही थी। मुझे उस बिल्डिंग के अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अभी जॉब भी नहीं है और करीबन जब तक मुझे जॉब मिल जाए तब तक शायद मुझे इसी फ्लैट में कम से कम एक महीना तो रहना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए मैं अपने फ्लैट की तरफ आ गई जो सेकेंड फ्लोर में था। जब मैं अपने फ्लैट के अंदर जा ही रही थी तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक औरत खड़ी है और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही है। वहाँ पे अंधेरा बहुत था तो मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। मैंने भी उसे देखकर स्माइल किया और फिर मैं अपने फ्लैट के अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो रूम की हालत उस बिल्डिंग से भी ज़्यादा ख़राब थी। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। वो पूरी रात मैंने बस उस फ्लैट को साफ करने में ही बिता दी। वो फ्लैट बहुत ज़्यादा ही गंदा था, वहाँ बहुत धूल थी और वहाँ का बाथरूम तो उस रात मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी। और जैसे ही मैं सोने के लिए बेड पर जा रही थी, मैंने देखा कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। उसमें मुझे किसी अननोन नंबर से मैसेज था और उस मैसेज में लिखा था, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे किसने भेजा है और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बिना कुछ रिप्लाई दिए ही मैं सो गई। अगले दिन सुबह भी मैं थोड़ा लेट उठी, बट फिर फटाफट मैं रेडी हुई और कुछ खा पी कर मैं इंटरव्यू के लिए चली गई। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची तो मैंने देखा कि कोंडे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन वहाँ पर वही औरत खड़ी थी जो मुझे कल रात मिली थी। वो इस बार भी मुझे देखकर स्माइल कर रही थी और मैं बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट उसे स्माइल किया और तुरंत ही बिल्डिंग से बाहर आ गई। मैंने उस दिन करीब 3 कंपनीज में इंटरव्यू दिया और एक कंपनी ऐसी थी जो मुझ पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रही थी। फाइनली फिर मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस दिन। मुझे घर आते आते शाम हो गई थी और मैंने मार्केट से अपने लिए बहुत सारा सामान भी खरीदा था जो मुझे घर में ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वो सामान बहुत ज़्यादा ही भारी था। तो मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन को कहा कि वो मेरी मदद कर दे। उसके बाद फिर वो मुझे फ्लैट तक छोड़ने आया और चला गया। इस बार मुझे वो औरत कहीं भी नहीं दिखी, तो मैं अपने फ्लैट के अंदर चली गई। पर जैसे ही मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो किसी ने मेरा डोरबेल बजाया। जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो एक फूड डिलीवरी बॉय था। उसने मुझसे कहा कि मैम, मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। और मैंने उससे कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। तो उसने कहा कि ये प्रीपेड है, और फूड के साथ उसने मुझे एक नोट भी दिया। उसके बाद फिर वो चला गया। मैं फूड लेकर अंदर आई और मैंने नोट पढ़ा। उसमें लिखा था, एंजॉय द फूड न्यूबी। पर मैं समझ नहीं पाई, तभी मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ और मैंने देखा, जब मैंने मैसेज ओपन करके देखा तो उसमें लिखा था, ये फूड मेरी तरफ से है। मैं समझ नहीं पाई और मैंने उससे पूछा, हु आर यू? तो उसने बताया कि वो मेरा नेबर है, वही जिससे मैं 2 बार कॉरिडोर पर मिली हूँ। ये जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुई और शॉक भी कि लोग ऐसा भी करते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ की बिल्डिंग चाहे कितनी भी घटिया हो, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने उससे उसका नाम भी पूछा, लेकिन उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, कहा कि वो मुझे मिलकर बताएगी।
उसके बाद फिर अगले दिन मैं बहुत लेट उठी थी और मेरा जॉब का पहला दिन था। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। उस दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं और फटाफट अपने ऑफिस के लिए निकलने लगी। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंची, तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के पास खड़े होकर मुझे कोई देख रहा है। और जब मैंने ध्यान से देखा तो वो वही औरत थी जिससे मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन वो इस बार भी अंधेरे में ही खड़ी थी। मैंने उसे देखा और उसकी तरफ वेव किया और स्माइल की। उसके बाद फिर मैं तुरंत ही टैक्सी पकड़ने के लिए चली गई क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। पूरा दिन मेरा ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही बिजी था। पहला दिन था तो मुझे बहुत ज़्यादा ही काम करने पड़े और सारी चीज़ों को समझना पड़ा। पहले ही दिन मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे, तो वो बहुत अच्छी बात थी। मैं अपने काम थोड़े शेयर कर पा रही थी। वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हूँ। बट पूरा दिन मेरा ऑफिस के काम करते करते कैसे निकला मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने पूरे दिन अपना फ़ोन भी यूज़ नहीं किया था। शाम को जब मैंने टैक्सी ली वापस घर जाने के लिए, तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया। उसमें वही लड़की के बहुत सारे मैसेजेस थे। वो मेरा हालचाल पूछ रहे थे और भी बहुत सारे स्वीट से मैसेजेस किए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ऑफिस से घर आने में मुझे करीब 15-20 मिनट लगते। उस 15-20 मिनट में मैंने सिर्फ उसी से बातें की। मैं वापस घर आ गई और फिर खाना खाकर फ्रेश होने के बाद मैंने वापस से जब अपना फ़ोन देखा, तो उसने मुझे एक मैसेज किया हुआ था। उसमें लिखा था कि अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, तो क्या तुम अब मुझे अपनी ज़िंदगी में आने का निमंत्रण दोगी? क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में वेलकम करती हो हमेशा हमेशा के लिए? मैंने बहुत खुश होकर और नॉर्मली रिप्लाई कर दिया कि हाँ बिल्कुल, अब तो हम दोस्त हैं, तुम्हारा स्वागत है मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोन साइड कर दिया और ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम करने लगी। वो काम करते करते ही मुझे 1-2 घंटे हो गए थे और बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तब तक 10:30 कुछ हो गया था। काम करते करते ही मुझे रियलाइज हुआ कि जिस बंदी से मैं इतना बात कर रही हूँ, वो मेरी बिल्डिंग में ही रहती है और मैं उससे कभी मिली ही नहीं। ये सोचकर मैंने उसे मैसेज किया और उससे पूछा कि तुम रहती कौन से फ्लैट में हो? तो उसने बताया कि वो मेरी नेबर है और मेरे बाजू वाले फ्लैट में ही रहती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई। मैं तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकली और उसके रूम के बाहर जाकर मैं डोर नॉक करने लगी। जैसे ही मैंने डोर को नॉक किया तो वो लॉक नहीं था, वो अपने आप खुल गया। हेलो, क्या कोई है? ऐसा कहकर मैं वो रूम के अंदर चली गई। वो रूम में बहुत ज़्यादा ही अंधेरा था, लेकिन दरवाज़ा खुलने की वजह से बाहर की रोशनी थोड़ी आ रही थी। मैंने अपने सामने किसी को खड़े हुए देखा और उसे देखकर मेरी हालत ही ख़राब हो गई। वो एक लड़का था और वो बहुत ज़्यादा ही भयानक दिख रहा था। उसके बाल बहुत लंबे थे। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी चीख निकल गई और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैंने रोते और चीखते हुए दरवाजे को बहुत नॉक किया और कैसे भी दरवाजे को खोलकर नीचे की तरफ भागी। उस डरावनी शक्ल को देखने के बाद मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। मैं भागते भागते वॉचमैन के पास गई और उसे इस बारे में सारी बातें बताई। उसने कहा कि यहाँ पर जो कोई भी रहने आता है, उस लड़के की आत्मा उन्हें ऐसे ही परेशान करती है और यही रीज़न है इस फ्लैट के इतने कम रेंट का। मैं ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई और कुछ दिन तक अपने एक ऑफिस के फ्रेंड के यहाँ रहने लगी। थोड़े ही दिन के बाद मुझे एक दूसरा फ्लैट मिल गया रेंट पर, तो मैंने फटाफट अपना सामान पैक किया, टैक्सी बुक की और फिर मैं अपने फ्लैट के पास चली गई। तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में इनवाइट किया है, अब मैं तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ूं? इस स्टोरी में आगे क्या होता है, जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।